मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो अगर आप Realme 2 Pro लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर जो फीचर्स नहीं हैं या जो फीचर्स के मामले में ये पिछड़ा हुआ फ़ोन है वो आप जान लें, क्योंकि अगर लेने से पहले आप जान जाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लेने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता है, आपको पता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पूरी देखनी चाहिए, पूरी देखोगे तो ही पता चलेगा। तो सबसे पहले चीज़ है इसका मेमोरी। तो आपको पता है कि इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं, 4GB, 6GB, 8GB वाले। तो सिर्फ और सिर्फ 8GB वाले वेरिएंट में वो मेमोरी यूज़ किया गया है जो एक्चुअली इसको सबके लिए यूज़ करना था। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको, UFS 2.1 स्टोरेज, जो कि OnePlus 5 के अंदर देखने को मिलती है, वो इस डिवाइस के अंदर है, लेकिन सिर्फ 128GB वाले वेरिएंट में, उससे नीचे वाले में नहीं। और 128GB वाले वेरिएंट की कीमत है 17,990 रुपया, ठीक है। इससे क्या होता है कि फ़ोन का जो कॉपी पेस्ट है वो फास्ट होता है और रैम और प्रोसेसर को भी थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन वो 4-6 में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 में मिलेगा। तो ये पहली चीज़ है जो इसमें मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं कमी है। दूसरा चीज़, रैम इसके अंदर DDR4 का यूज़ किया गया है, 4K का यूज़ किया गया है, और ये जो है फास्ट ऑप्टिमाइजेशन देता है, पावर सेविंग रैम है, और ये सारे वेरिएंट में है। ये इस बार अच्छा किया है, वरना Realme 1 में ना रैम में भी DDR4 और DDR3 का रैम यूज़ करके इन्होंने धोखा किया था, और इस बार ये स्टोरेज के साथ कर रहे हैं UFS 2.1 ना दे करके। बात करें डुअल कैमरा की, तो 16 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट शूटर मिल जाता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड कैमरा है, जो ये एक अच्छी बात है। और रेयर की अगर मैं बात करूं तो रेयर साइड में आपको जो है EIS मोड, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन मोड जो है रेयर कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग में देखने को मिल जाता है। सोनी IMX 398 का इसके अंदर लेंस लगा हुआ है, जो कि एक अच्छा लेंस है। डुअल पिक्सल शूटिंग सपोर्ट करता है, जिसके कारण आप जो है फास्ट चीज़ों को कैप्चर कर सकते हो, स्लो मोशन और फास्ट जो शॉट वगैरह लेते हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा उस मामले में। और आगे अगर हम लोग बात करें बैटरी में, तो बैटरी इसके अंदर स्लो चार्जिंग है, इनबिल्ट इस फ़ोन की चार्जिंग ही स्लो है, 2 एम्पेयर बोलने के बाद भी 2 एम्पेयर जितना सपोर्ट नहीं देता है। फास्ट चार्जर तो दूर की बात है, हालांकि हमें चार्जिंग पोर्ट में जो है केबल जो है वो माइक्रो USB वाली मिलती है, जो जर्नली हमें बाकी सारे फ़ोन्स में देखने को मिलती है, वही यहाँ पे मिलती है, यानी कि कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट किसी भी हालत में नहीं है। अब यहाँ पे ख़ास बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट आपको इसके अंदर मिलता है, ठीक है, इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वो बहुत सही प्रोसेसर है और वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देगा स्नैपड्रैगन 660, लेकिन 660 होने के बाद भी स्नैपड्रैगन के साथ इनको जो है थोड़ा और टाइप करना पड़ता है, थोड़े और पैसे देने पड़ते हैं, परमिशन लेना पड़ता है कि हम अपने फ़ोन में फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं, उसके लिए ये लोग ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है स्नैपड्रैगन को, और वो पैसा कट करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है। और आई होप कि आगे चल के अगर ये चाहें तो ये इनेबल करवा सकते हैं फीचर, वैसे मुझे चांसेस कम लगता है। इसके अलावा इसमें प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 660 का दिया हुआ है, जो कि वही प्रोसेसर है जो कि आपको MI A2 में दिया गया, बट ये फ़ोन MI A2 जितना अच्छा नहीं है। अगर हम इसे टेस्ट करें इन कैमरा परफॉर्मेंस, ये फेल हो जाएगा 100% लिख के ले लो। डुअल जियो डुअल वोल्टी सपोर्ट मिलेगा, यानी 2 जियो के सिम आपको इसमें एक साथ काम करेंगे बिकॉज ऑफ स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर। वाटर ड्रॉप नॉच जो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, ये इसका एक बवाल फीचर है जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत पसंद है और आप सभी को भी पसंद है, और ये देखने में फ़ोन को एक प्रीमियम लुक देता है। पूरी बॉडी जो है वो पॉलीकार्बोनेट है, देखने में आपको ग्लास लगता है, ग्लास फिनिश, लेकिन पूरी बॉडी जो है पॉलीकार्बोनेट है। पीछे में आपको यहाँ पे मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन और आगे में भी, लेकिन मैं पीछे में स्क्रैच दिखा सकता हूँ, मेरे फ़ोन पे स्क्रैच आ गया है, रुको एक सेकंड। ओके, तो अब वो स्क्रैच कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, नीचे में स्क्रैच है, एकदम हल्का सा है, एकदम हल्का सा, पता नहीं कैसे लग गया, मुझे नहीं पता, बट हाँ स्क्रैच आया है, तो इसका मतलब इस ग्लास पर स्क्रैच भी लगता है। तो आपको हमेशा अपने फ़ोन को जो है कवर में रखना होगा, वरना आपके फ़ोन की सेफ्टी तो गई, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं, इसमें कोई भी एलईडी नोटिफिकेशन नहीं दी गई है, जो कहीं ना कहीं इस फ़ोन के लिए कमी है। मतलब यहाँ पर या कहीं पर भी ये नोटिफिकेशन दे सकते थे, ऐसा नहीं है इनको नीचे में यहाँ पे जगह मिल रहा था देने का, बट इन्होंने नहीं दिया है। तो जो लोग पसंद करते हैं यार कि हमारे फ़ोन में एलईडी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, उन लोगों के लिए ये फ़ोन सही नहीं रहेगा। और सबसे बेकार चीज़ है कलर ओएस का फीचर्स जो है वो ठीक ठाक ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फ़ोन को थोड़ा स्लो बनाता है, लैगी बनाता है, फ़ोन लैग वैग करता है। तो इसके जगह अगर ये खुद का कुछ ओएस बनाए या फिर स्टॉक एंड्रॉयड पर चलाएं तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, और सब कोई यही कहता है, बट ये लोग समझते नहीं है यार क्या किया जाए। और मैंने सुना इसमें TFT डिस्प्ले है, तो TFT डिस्प्ले IPS डिस्प्ले दोनों सेम ही होता है, कुछ फ़र्क वर्क नहीं है। और TFT डिस्प्ले तो नहीं लगता है मुझे, तो IPS ही लगता है। आप बताओ कि क्या डिस्प्ले है, कौन सा डिस्प्ले है, बट जो भी है TFT डिस्प्ले भी वही है। बट अगर TFT डिस्प्ले है इसके अंदर तो इसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट हो जाएगी, बैटरी बैकअप जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा TFT की वजह से। बात करें LTE का, तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। LTE KD6 करके समथिंग होता है, वो टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो है यूज़ की गई है, और उसके वजह से क्या होता है कि लो नेटवर्क आता है। अब ऐसे समझाता हूँ मैं कि आपका ये जो फ़ोन है ये 300 Mbps से ज़्यादा की स्पीड जो है सपोर्ट नहीं कर पाएगा अगर आप नेट से यूज़ करो। अब ऐसा है कि 300 Mbps कहाँ आता है इंडिया में, नहीं आता है ना। तो एक तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उससे, ठीक है। दूसरा बात कि इसका जो टावर है ना वो थोड़ा कम पकड़ेगा इसके अंदर, हल्का सा, यानी लो नेटवर्क एरिया में अगर आप हो तो जहाँ शाओमी के फ़ोन ज़्यादा अच्छे से टावर कैप्चर करेंगे ये थोड़ा पीछे हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो, रिमोट एरिया में जहाँ नेटवर्क कम आता है, तो ये फ़ोन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फिर दिक्कत होने वाली है। AI चिपसेट होने की वजह से बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी रहने वाली है, 3500 mAh की बैटरी है, लेकिन फिर भी वो Redmi Note 5 Pro को टक्कर दे रही है, जबकि Redmi Note 5 Pro 4000 mAh है। तो ये कुछ ख़ास बातें थी जो मैंने आपको बता दी कि अगर आपको Realme 2 Pro नहीं लेना है या लेना है तो ना लेने की मैंने वजह दे दी। अब अगर ये सब वजह आपके कोई मायने नहीं रखता है, आपको इन वजहों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ये फ़ोन ख़रीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और बाकी ओवरऑल फ़ोन अच्छा है अगर इन कमियों को हटा दिया जाए तो। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छा फ़ोन है, लेकिन कुछ और भी फ़ोन्स हैं जिन्होंने अपने प्राइस गिरा दिए हैं, लाइक Redmi Note 5 Pro और Honor का भी 8X या समथिंग कोई मॉडल है, उसका सेल में दाम जो है गिरने वाला है। तो इस तरह से जो है दाम अगर गिर जाता है तो 14000 में भाई फिर और भी किलर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक अगर दाम ना गिरे तो 14000 में ये भाई बवाल फ़ोन है। मतलब इसका बेस वेरिएंट, इसका अपर वेरिएंट लेने से अच्छा है आदमी पोको फ़ोन ले ले, ठीक है। और आई थिंक कि पोको फ़ोन की स्पीड इससे ज़्यादा ही होगी, इसके अलावा फिर वन प्लस की भी स्पीड ज़्यादा होगी इससे, बट वो सब हाई एंड फ़ोन हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें इसके बारे में बात करना था। बात करूंगा अगर मैं आपसे, आप पूछोगे बॉडी, तो भाई बॉडी बहुत अच्छी है। हालांकि इस वीडियो में हम लोग नॉट टू बाय वाली बातें को बात करने वाले थे, लेकिन फिर भी जो बॉडी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट वाला हाल है इस पर। मतलब जहां हाथ रखो पूरा जो है एकदम क्या बोलते हैं उसको, ख़राब सा लगने लगेगा, चिपचिपा लगेगा। अब चिपचिपा लगेगा तो यार इसको साफ़ कैसे रखा जाए, तो हर वक्त या तो पोछो या तो फिर आप कवर में इसको डाल के रखो, कवर भी ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी आप अपना ये ब्लैक डिज़ाइन दिखा सकते हो। लेकिन जो लुक्स है वो भाई प्रीमियम लुक आता है इस फ़ोन के अंदर, और इसको इस बात को कोई भी नहीं ठुकरा सकता है कि हाँ इस फ़ोन के अंदर हमें प्रीमियम लुक देखने को मिलता है। ये तो भाई 100% मानने वाली बात है कि भाई प्रीमियम लुक तो मिलता है, और ये ग्लासी लुक जो है यही इसको बेहतरीन बनाता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ वॉल्यूम बटन्स वगैरह के, तो वो सब सही वर्क करते हैं। इसके अंदर डुअल वोल्टी का सपोर्ट है, ये अच्छा है इसके लिए। और भी कुछ है, कैमरा की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप सोचते हो कि कैमरा इसका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। कैमरा इसका रियर वाला बहुत अच्छा है, बट फ्रंट वाला कैमरा उतना ही बेकार लगता है मुझे, ठीक है। फ्रंट वाले कैमरा के कुछ शॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये आफ्टर अपडेट वाले शॉट है, और आप देख सकते हो कि मतलब मेरे शर्ट का जो एक्चुअल कलर है वो भी नहीं यहाँ पर दिख रहा है, कलर अजीब सा हो गया है, ठीक है। बाकी रेयर शॉट्स आप देखो, दो मैंने लिए थे, दोनों, एक नॉर्मल लिया था, एक पोर्ट्रेट लिया था, दोनों ही अच्छा आया बिना किसी दिक्कत के। अब अगर मैं आपको दिखाऊं अपडेट से पहले वाली फ़ोटो, तो ये दोनों कैमरा की है, रेयर की, दोनों ही वैसी ही अच्छी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रंट की, तो भाई इसने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा गोरा कर दिया, मैं इतना ज़्यादा फेयर एंड कॉम्प्लेक्स नहीं हूँ, थोड़ा सांवला हो गया हूँ, ठीक है, इतना बचपन में हुआ करता था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ़ोटो की, तो मेरा फ़ोटो देखोगे अगर आपने जूम किया तो एजेस जो है वो फट रहे हैं, पिक्सल जो है वो बिखर रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं अभी भी इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप बूके देखोगे, सॉरी फोकस बिगड़ गया, यहाँ पे अगर आप बूके देखोगे तो बूके में आप देखेंगे तो देखेंगे एजेस जो हैं वो सही से ब्लर नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा इस बूके में भी लगभग वैसा ही हाल है। हाँ, ये वाला ठीक है, लेकिन ये पोर्ट्रेट मोड नहीं था, ये नॉर्मल शॉट था, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को दबाइए ताकि आप देख सकें ऐसी वीडियो सबसे पहले। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे।